हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल से आबित अशोक तो फ्रेंड्स आज हम ए बी एफ एम के मॉड्यूल बी में, में चैप्टर नाइन का फ्रेंड्स जो है पार्ट एट करने वाले हैं और ये लेक्चर मतलब जो है ये चैप्टर आपका इसी लेक्चर के साथ खत्त तक खत्म हो जाएगा हम जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जरूरी ज़रूरी न्यूमेरिकल पोर्सन है उसको कवर कर चुके हैं पिछले लेक्चर में हमने फ्रेंड्स जो है आई आर आर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को कवर कर लिया था इस लेक्चर में हम एम आई आर आर कर रहे हैं एम फॉर मॉडिफाइड एम फॉर मॉडिफाइड बाकी इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न ही कैलकुलेट कर रहे हैं बस एम आई आर आर हो जाता है ओके तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए इसमें फ्रेंड जो है थेरी भी है है ना थेरी है और न्यूमेरिकल भी है लेकिन थोड़ा सा थेरी के एस्पेक्ट को यहाँ पर हल्का सा कवर करूँगा मैं और उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन पर जाएंगे और फिर लौट कर आएंगे तब थेरी को कवर करेंगे बस एक काम की बात ये होती है ये वाली ठीक है एम आई आर आर का मतलब होता है फ्रेंड मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न ओके अब देखिए इस अप्रोच में यानी एम अप्रोच में अगर मान लीजिए कहीं पर भी आपको निगेटिव वैल्यू मिल जाती है ओके प्रोजेक्ट की लाइफ के ड्यूरेशन में अगर कहीं पर भी आपको निगेटिव कैश फ्लो मिल जाता है तो उसको प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ऐड कर दिया जाता है उसको कहाँ जोड़ देंगे हम ले जा कर के प्रोजेक्ट की कास्ट में जोड़ देंगे लेकिन डिस्काउंटिंग करने के बाद में एग्जाम्पल देखते हैं जैसे मान लीजिए आपने कोई एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जिसमें आपने 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए ठीक है 200 करोड़ रुपए आपने लगाया और काम शुरू कर दिया तो अब दो सौ करोड़ इन्वेस्ट किया है मतलब माइनस से लेंगे अब मान लीजिए पहले साल आपको चालीस करोड़ का प्रॉफिट हुआ दूसरे साल आपको सिक्सटी करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट होता है और मैं मान लेता हूँ कि तीसरे साल आपको बीस करोड़ रुपये का लॉस हो जाता है ठीक उसके अगले साल आपको अस्सी करोड़ का प्रॉफिट होता है उसके अगले साल मान लेता हूँ मैं सौ करोड़ रुपये का प्रॉफिट होता है एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ ठीक है उसके बाद में अब चूंकि आप ये देखिए कि कहीं पर भी अगर ये माइनस वैल्यू आ जाती है तो उसको प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ही जोड़ देना है इसका मतलब 200 करोड़ ना मान करके हम 220 करोड़ मानेंगे लेकिन 20 करोड़ भी नहीं लेंगे फ्रेंड्स क्या करेंगे हम उसकी डिस्काउंटिंग भी करेंगे डिस्काउंटिंग मतलब उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे यानी 20 करोड़ रुपए अभी के समय में जब हमने 200 करोड़ इन्वेस्ट किया था उस समय बीस करोड़ रुपये कितने के बराबर होता यानी हमें क्या कैलकुलेट करना होगा प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू होता है इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू अपन वन प्लस आर टू दी पावर एन यानी 20 करोड़ को वन प्लस आठ टू दी पावर एन से अगर हम डिवाइड कर देते फ्रेंड्स तो हमें मिल जाता जो वैल्यू उसको हम प्रोजेक्ट की कास्ट में जोड़ लेंगे ओके बस इतनी सी बात ध्यान रखिएगा फिर हमें क्या करना होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट निकालनी होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कैसे निकलती है तो देखिए जैसे 200 करोड़ रुपए हमने अभी इन्वेस्ट किए तो चूंकि अभी इन्वेस्ट किया है तो ये प्रेजेंट वैल्यू ही है तो 200 करोड़ प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगी प्लस 20 करोड़ रुपए जो आज से तीन साल बाद मिलने हैं एक दो तीन तीसरे साल मिलने वाले हैं इसकी भी हम प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और इसको दोनों जोड़ देंगे मान लीजिए ये कैलकुलेट करने पर सोलह करोड़ आता है तो दो सौ सोलह करोड़ रुपये हमारा कितना निकल कर क्या जाता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट निकल आती है उसके बाद में फ्रेंड्स हमें टर्मिनल वैल्यू निकालनी होती है क्या निकालनी होती है सो फ्यू ये देखिए प्रोजेक्ट इनफ्लो प्रोजेक्ट में जो इनफ्लो होंगे देखिए जो पैसा प्रॉफिट होता है वो इनफ्लो कहलाता है जैसे आपने 200 करोड़ रुपए अगर इन्वेस्टमेंट की है अपने प्रोजेक्ट में तो इसे फ्रेंड्स हम क्या है? बोलते हैं आउटफ्लो बोलते हैं क्या बोला जाता है फ्रेंड्स दिस इज आउटफ्लो जो हम 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए वो आउटफ्लो हो जाता है जो 30 20 करोड़ रुपए का प्रॉफिट हुआ 40 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 60 करोड़ का प्रॉफिट हुआ दिस इज योर इनफ्लो तो वही बोल रहे हैं कि जितने भी प्रोजेक्ट इनफ्लो होंगे उनको कंपाउंड किया जाता है एट द कास्ट ऑफ कैपिटल जो भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होगी दस परसेंट पंद्रह परसेंट जो भी दे रखा होगा टू अराइव एट टोटल कंपाउंडेड टर्मिनल वैल्यू ऑफ द इनफ्लो तो हमें इन की टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है ठीक है अब थोड़ा बहुत समझ में आया होगा थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा कोई बात नहीं है अभी हम समझाएंगे आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है तीन स्टेप होते हैं कुल मिलाकर के इसमें पहला स्टेप होता है फिर देखिए अगर आप चाहो तो ये देख भी लो तीन स्टेप होते हैं कुल मिलाकर के पहला स्टेप है आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट पता करनी होती है फर्स्ट स्टेप इज यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट दूसरा स्टेप क्या होता है आपको टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है और तीसरे स्टेप में फ्रेंड्स हमें ये फार्मूला यूज करना होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू डिवाइडेड बाई वन प्लस एम आई आर आर टू दी पावर एन बस इतना सा ये फार्मूला होता है तीन तरीके तीन स्टेप्स होते हैं हमें ये तीनों करने हैं मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे क्या चल रहा है ओके ठीक है समझने के लिए थोड़ा दिमाग को ओपन रखिए देखिए ये सौ करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किए पहले साल हमको दस करोड़ का प्रॉफिट है दूसरे करोड़ दूसरे साल हमको साठ करोड़ का तीसरे साल अस्सी करोड़ यानी कि ये इनफ्लो है राइट कोई डाउट नहीं इस बात में दीज आर इन ये क्या है आउटफ्लो है ठीक है अब हमें क्या निकालनी होती है सबसे पहले पी बी सी प्रजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट यानी इन शुरुआत हमने कुल मिलाकर के कितना इन्वेस्टमेंट किया है तो हमने कितना इन्वेस्टमेंट किया फ्रेंड सौ करोड़ रुपए सौ करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ का मतलब प्रेजेंट वैल्यू ही लेनी है हम फ्यूचर मतलब जो है अगर मान लीजिए जैसे इसी एग्जाम्पल में से यहाँ पर एक और वैल्यू दी होती चौथे साल मान लीजिए हमें दस करोड़ का लॉस दिखाता फॉर एग्जाम्पल इसमें दस करोड़ का लॉस तो अभी मैंने बताया था कि अगर कोई निगेटिव वैल्यू आ जाती है तो उसको क्या करते हम इसी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है इसी में ही हम इसको दस करोड़ को और जोड़ देते लेकिन दस करोड़ विथ डिस्काउंटिंग जोड़ते एक्चुअल वैल्यू ना जोड़ते बल्कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू जोड़ते फ्रेंड्स ओके यानी दस करोड़ तो हमें चार साल बाद मिले हैं अगर अभी के समय जो है दस करोड़ जो है अभी कितना होगा दस करोड़ की वैल्यू जो चार साल बाद दस करोड़ है वो आज कितनी वैल्यू के बराबर है वो हमें प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती तो ये होता है प्रेजेंट वैल्यू कॉस्ट का कॉन्सेप्ट अगर नहीं समझ में आया तो अगला क्वेश्चन देखेंगे उसमें ये चीज़ हम प्रैक्टिकली करके भी देखेंगे उसमें नेगेटिव वैल्यू आपको दे रखी होगी अभी के लिए समझ लीजिए कि इस क्वेश्चन में तो सिंपल है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितनी है हंड्रेड करोड़ ठीक है चलो ये निकाल लिया हमने दूसरा स्टेप आया इसमें फ्रेंड्स हमें क्या कैलकुलेट करना होता है इस स्टेप में हमें कैलकुलेट करना होता है मैं बताता हूं यही थोड़ा समझिएगा यहां पर हमें करना क्या है कि दस करोड़ रुपए सिक्सटी करोड़ रुपीज एंड एट्टी करोड़ रुपीज की हमें इन तीनों के फ्रेंड्स का प्रेजेंट पता प् करना है हमको इनको कंपाउंडिंग करके टर्मिनल वैल्यू पता करनी होती है तो ये हो जाता है आपका टर्मिनल वैल्यू वन ये हो जाता है आपका टर्मिनल वैल्यू टू ये हो जाता है आपका टर्मिनल वैल्यू थ्री यानी कि कहने मतलब दस करोड़ रुपए अगर मैं आज आपको दे दूं और इसको ले जाकर के आप बैंक में इन्वेस्ट कर दो तो ये तीन साल बाद कितने रुपए हो जाएंगे बस इतनी सी बात पता करनी है आपको कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दस क्वेश्चन कुछ, में कितना दे रखा है कास्ट ऑफ कैपिटल दस परसेंट दे रखी है और आपको एम आई आर कैल्कुलेट करने के लिए कहा गया है तो आर इक्वल टू फ्रेंड्स अगर आपको टेन परसेंट दे रखा है तो हम आर इक्वल टू पॉइंट वन लिख सकते हैं कैसे लिखा सौ से डिवाइड कर दिया पॉइंट वन आ गया सिंपल सी बात है ओके अब हमें क्या करना है टर्मिनल वैल्यू वन पता करनी है टर्मिनल वैल्यू वन कैसे पता करेंगे तो टर्मिनल वैल्यू वन पता करने के लिए फार्मूला लगाएंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस आर टू दावर एन होता है हमें क्या पता करना है फ्यूचर वैल्यू यानी प्रेजेंट में हमारे पास कितने हैं दस करोड़ रुपए फ्यूचर में कितने होंगे जब ये ये समय पूरा होगा तो हमने दस करोड़ लिख दिया प्रेजेंट वैल्यू में इंटू वन प्लस पॉइंट वन लिख दिया देखिए आर की जगह पे पॉइंट वन ये कहाँ से आया ये क्वेश्चन में दे रखा है वहाँ से एन की वैल्यू कितनी होगी ये सिर्फ एक सवाल आप अगर जवाब दे लो तो बस कठिनाई ख़त्म हो गई एन की वैल्यू कितनी होगी तो फ्रेंड देखिए जब आपको एक साल के आखिरी में कितना मिला दस करोड़ तो ये कितने साल और इन्वेस्ट रहेगा एक साल ये और एक साल और टोटल कितने साल इन्वेस्टेड रहेगा दो साल यानी कि आप अगर एफ करवाओगे तो दो ईयर के लिए एफ करवा सकते हो बात मेरी थोड़ी बहुत समझ में आई या नहीं आई देखिए फिर से देखते हैं देखिए ये है मान लीजिए ये पहला साल ख़त्म होता है यहाँ पर यहाँ पर आपका दूसरा साल एंड होता है और यहाँ पर आपका तीसरा साल एंड होता है ये थोड़ा समझ लीजिए इसीलिए बता रहा हूँ कि दो महीने कैसे लिख दिया वहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में कन्फ्यूजन बनेगी अब जब पहला साल ख़त्म होने का था तब आपको दस करोड़ का प्रॉफिट हुआ बराबर है अब अगर ये दस करोड़ आप इन्वेस्ट करोगे तो भाई एक साल ये और एक साल ये दो ही साल तो ये बैंक में इन्वेस्टेड रहेगा बराबर है उसी तरीके से दूसरे साल के आखिरी में आपको कितना मिला फ्रेंड्स दूसरे साल के आखिरी में आपको साठ करोड़ रुपए मिले कितने मिले साठ करोड़ रुपए अब अगर इसे आप बैंक में इन्वेस्ट करोगे तो ये कितना समय तक इन्वेस्ट रहेगा एक साल तक ही रहेगा कितने साल तक एक साल तक ही इन्वेस्टेड रहेगा और जब तीसरे साल के आखिरी में फ्रेंड्स आपको कितना मिला है अस्सी करोड़ रुपए जब आपको तीसरे साल के आखिरी में अस्सी करोड़ मिले हैं तो वो तो इन्वेस्ट होगा ही नहीं क्योंकि प्रोजेक्ट की लाइफ ही तीन साल की है जब तीन साल की लाइफ है तो आगे कोई बातचीत नहीं होगी तो यहाँ जीरो साल के लिए हम इन्वेस्ट करेंगे ओके तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दो साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है ये कितने तीन साल के लिए और ये कितने सॉरी ये एक साल के लिए और ये जीरो साल के लिए इन्वेस्ट हो रहा है ओके एक बार आपको ये वैल्यू पता चल गई तो उससे एक एक घटते हुए हम चले जाएंगे मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई दो कैसे आया तो हम इसे कैलकुलेट कर लें अगर तो टेन इंटू वन पॉइंट वन हो जाएगा कि पावर टू हो जाएगा वन पॉइंट वन की पावर टू हो जाएगा वन टू वन हो जाएगा इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ट्वेल्व पॉइंट वन आ जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि हमारी टर्मिनल वैल्यू वन इक्वल टू आ गई ट्वेल्व पॉइंट वन कैसे कैलकुलेट किया दस करोड़ रुपए को इन्वेस्ट किया कितने साल के लिए किया जब तक हमारे प्रोजेक्ट की लाइफ है तब तक के लिए इन्वेस्ट कर दिया तो हमें मिल गया ट्वेल्व पॉइंट वन इसी तरीके से अब यहाँ पर क्या हो रहा है साठ करोड़ रुपए आप इन्वेस्ट कर रहे हो कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं फिर से यहाँ पर हम सिक्सटी करोड़ रुपीज़ अब अगर इसी को हम फिर से कैलकुलेट करें सिक्सटी करोड़ के लिए अब हम क्या करने जा रहे हैं टर्मिनल वैल्यू टू कैलकुलेट करने जा रहे हैं साठ करोड़ के अगेंस्ट में कैलकुलेशन करने जा रहे हैं तो अगर साठ करोड़ इन्वेस्ट किया इंटू वन पॉइंट वन लिख दिया क्योंकि अभी पिछले सवाल में भी वन पॉइंट वन आया था टू दी पावर कितना हो जाएगा वन वन कैसे हुआ साठ यहाँ से लिए सिक्सटी वैल्यू हमने यहाँ से पिक की वन कैसे कैलकुलेट किया वो मैंने आपको दिखाया था कि ये एक साल के लिए ही इन्वेस्ट रहेगा अगर दूसरे साल के आखिरी में मिल रहा है तो सिर्फ एक ही साल तक इन्वेस्टेड रहेगा इसलिए एक ले रहे हैं इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मेरे ख्याल हो जाएगा सिक्सटी तो टर्मिनल वैल्यू टू की वैल्यू आ गई सिक्सटी सिक्स आ गई इसी तरीके से टर्मिनल वैल्यू थ्री की वैल्यू तो मेरे ख्याल से वही सेम रहेगी क्योंकि ये इन्वेस्ट होगा ही नहीं है ना या फिर भी आप अगर चाहो तो यहाँ पर फार्मूले भी, भी रख सकते हो कितनी है प्रजेंट वैल्यू अस्सी वन पॉइंट वन हो गया कि पावर जीरो पावर जीरो क्यों क्योंकि अस्सी करोड़ रुपये आपको तीसरे साल के आखिरी में मिल रहे हैं और प्रोजेक्ट खत्म हो जा रहा है तो बस बात खत्म हो गई अब किसी संख्या का पावर सोन्य हो तो उसका मान एक होता है इसलिए ये एक हो गया काम खत्म अस्सी आ गया तो ये एट्टी हो गई फ्रेंड्स ओके तो आपको टर्मिनल वैल्यू वन टू थ्री तीनों मिल गई अब इनको जोड़ डालिए तीनों को ऐड कर डालिए तो देखिए ट्वेल्व पॉइंट वन प्लस सिक्सटी सिक्स और प्लस एट्टी वन फिफ्टी एट पॉइंट वन राइट तो एक सौ अट्ठावन दशमलव एक आ गई क्या हमारी टर्मिनल वैल्यूज निकल आई ये अब प्रजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट पी सी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट कितनी थी हमारी हंड्रेड थी तो दो चीज़ें हमारी निकल आई बस एक फार्मूला हमें सिर्फ लगाना है हमें सिर्फ एक क्या करना है एक फार्मूला यूज करना है और काम ख़त्म हो जाएगा प्रोजेक्ट की लाइफ कितनी है तीन साल की है बस अब फार्मूला क्या है हमारा तीसरा फार्मूला देख लेते हैं देखिए वही बात यहाँ बना करके मैंने आपको दिखाई हुई है कि हंड्रेड करोड़ आपने इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्ट किया है जो ये टेन करोड़ है ये यहाँ तक रहेगा जो सिक्सटी करोड़ है वो यहाँ तक रहेगा जो अट्टी करोड़ है वो यहीं तक ही रहेगा ओके इसीलिए इसको बोल रहा था कि मैं एक साल और दो साल ये वाला सिर्फ एक साल और ये वाला जीरो ईयर के लिए बात ठीक है तो ये सारी बातें हम कर चुके हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट पहला स्टेप प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट हंड्रेड करोड़ क्वेश्चन में ही दे रखा है उसके बाद में टर्मिनल वैल्यू हमने फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑल इन फ्लो का निकाल लिया तो फ्यूचर वैल्यू वन टू यानी टर्मिनल वैल्यू वन या फ्यूचर वैल्यू वन जो भी कहिए तो वही जो कैलकुलेशन मैंने आपको वहाँ करके दिखाया वही आ गया 158.10 अब हमें ये फार्मूला यूज करना है फ्रेंड्स ओके एम आई आर आर को कैसे सॉल्व करते हैं हम सॉल्व करते हैं इसका फार्मूला होता ही देखिए आपके सामने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कॉस्ट इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू का टोटल जो है डिवाइडेड बाई वन प्लस एम आई आर आर की पावर एन अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कॉस्ट कितनी हमारी निकल करके आई थी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट फ्रेंड्स हमारी निकल करके आ गई थी हंड्रेड इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू का जोड़ कितना आया था 158.1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू दी पावर ये फार्मूला होता है 1 प्लस एम आई आर आर उसी को एम आई आर आर ना लेकर के आर लिख दिया है कंफ्यूज मत होइएगा ये वो वाला आर नहीं है जो हमने आर इक्वल टू टेन परसेंट से पॉइंट वन निकाला था ये वाला नहीं है ओके okay? आप एम आई आर आर लिख दो अगर कंफ्यूजन बन रही है कि पावर थ्री कर दिया थ्री क्यों कर दिया क्योंकि एन की वैल्यू हमारी कितनी है कितने साल के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है तीन साल के लिए चल रहा है इसलिए हमें एन की वैल्यू थ्री कर ठीक है अब बस इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वन प्लस आर की पावर थ्री इक्वल टू ये हो जाएगा वन फिफ्टी एट पॉइंट वन अपान हंड्रेड मेरे ख्याल से है ना इसको उधर लेके उसको इधर ले आए इक्वल टू हो जाएगा आ, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो वन पॉइंट फाइव एट वन हो जाएगा ओके तो वन प्लस आर की पावर थ्री इक्वल टू वन पॉइंट फाइव एट वन हो गया ओके अब वन प्लस आर इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स ये हो जाएगा क्यूब क्यूब रूट है ना वन पॉइंट फाइव एट वन या तीसरी करड़ी बोलते हैं हिंदी में तीसरी करडी और इसके भी अंदर वैल्यू आ गई अब देखिए हमें कैलकुलेटर में मेरे ख्याल से तीसरी करड़ी वैल्यू निकालने का तरीका नहीं दिया गया होगा ओके तो हमें इसको कैलकुलेट करना होगा आपके इसी साधारण वाले कैलकुलेटर से जो ये सिंपल वाला आप ले करके जाते हैं अपने एग्जाम में ठीक है इसी से सॉल्व करेंगे तो देखिए इसका मेथड होता है कुछ सर्टेन स्टेप्स होते हैं मैं आपको बताता हूँ कि हाउ टू डू दिस ये देखिए हाउ टू कैलकुलेट एन एथ रूट यहाँ से शुरू होता है एन एथ रूट को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इसी इसी स्टेप को यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ कि क्या चीज़ है इसका क्या मतलब है देखिए सबसे पहले क्या करना है जो जिस चीज का आपको अंडर रूट या तीसरी कर्डी या छठवीं कर्डी निकालनी है वो चीज़ पहले अपने कैलकुलेटर पर लिख लीजिए ओके जैसे हमें यहाँ पर कितने का निकालना है वन पॉइंट फाइव एट वन हमें निकालना है वन पॉइंट फाइव एट वन का एक बटा तीन या तीसरी करड़ी निकालनी है ओके तो हम क्या करेंगे सबसे पहले आपको क्या करना है फ्रेंड्स कैलकुलेटर में ये टाइप कर लीजिए यानी सबसे पहले वन पॉइंट फाइव एट वन मैंने टाइप कर दिया ठीक है वन पॉइंट फाइव एट वन मैंने टाइप कर दिया अब हमें क्या करना है फ्रेंड यहाँ से स्टेप शुरू होते हैं पहला आपको अंडर रूट का साइन ट्वेल्व टाइम्स दबाना है बारह बार जो है गिनती के गिनिए और ट्वेल्व टाइम्स इसमें अंडर रूट को प्रेस करेंगे ओके कितनी बार दबाएंगे बारह बार आपको ट्वेल्व टाइम्स तो मैं दबाता हूँ इसको वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व ठीक जो वैल्यू आ गई ठीक है इसमें कैलकुलेटर वो सर्टन वैल्यू आ रही होगी आप चाहो तो अपना कैलकुलेटर उठा लो पैरल चेक करते चलते हैं ठीक है हमने क्या किया अंडर रूट की अंडर रूट का साइन बार बार यानी अंडर रूट का जो चिन्ह है उसको बारह टाइम्स प्रेस किया फिर जो वैल्यू आई उसमें से आपको ये देखना नहीं है कि इसमें जैसे इसमें बहुत सारी वैल्यू जा रही होंगी अगर आप देखोगे तो दसमलव के बहुत सारे स्थान तक आपको बस करते जाना है फिर इसमें से क्या करेंगे माइनस वन कर देंगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है आपको सब्सट्रैक्ट करना है वन यानी एक घटाना है हमने क्या किया एक घटाया ठीक है एक सब्सट्रैक्ट किया इक्वल का निशान दबा देंगे भाई एक घटाने के बाद इक्वल का निशान दबा देंगे और एक ही बार इक्वल दबाइए ध्यान रखिए गड़बड़ ना होने पाए उसके बाद में इसको डिवाइड करेंगे पावर एन से यानी कि जो आया उसको डिवाइड का साइन दबाइए अब हमें डिवीजन का साइन दबाना है और उसको डिवाइड किससे करना है पावर एन से एन क्या है अगर आपको तीसरी करणी पता करनी है तो तीन से डिवाइड करिए अगर छठवीं करणी पता करनी है तो छः से डिवाइड करिए अगर बारहवीं करणी यानी कि अंडर रूट ट्वेल्व पता करना है है ना ट्वेल्थ रूट पता करना है तो ट्वेल्व से डिवाइड करेंगे तो चूँकि हमें यहाँ क्या करना है तीसरी वो अंडर मतलब स्क्वायर रूट पता करना है तीसरी थर्ड uh, रूट पता करना है वन पॉइंट फाइव एट वन का तो इसलिए हम क्या किससे डिवाइड करेंगे तीन से डिवाइड का साइन दबाया और थ्री प्रेस कर दिया इक्वल टू बस एक बार इक्वल दबा दिया फिर इसमें जो आया एक फिर से जोड़ दीजिए पहले क्या किया था एक घटाया था अब फिर क्या कर रहे हैं एक फिर से जोड़ रहे हैं ओके तो जो कुछ भी आया उसमें एक जोड़ दिया हमने इक्वल का निशान दबाया आ गया इतना हमारा एक जोड़ने तक की बात हो गई अब क्या करना है आपको मल्टीप्लाई और इक्वल टू का साइन फिर बारह बार दबाना है यहाँ कितनी बार दबाया था अंडर रूट का ट्वेल्व टाइम्स अब यहाँ पर भी क्या करना है मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू मतलब कैसे बारह बार पहले मल्टीप्लाई का दबाया फिर इक्वल टू फिर अगेन मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू ये एक बार हुआ ये दूसरी बार हुआ फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू ये तीसरी बार हुआ अगेन मल्टीप्लाई देन इक्वल टू ये, ये चौथी बार हुआ ऐसे गिनते हैं फ्रेंड्स ओके समझ गए जैसे देखिए यहाँ पर अगर मैं आपको नज़दीक से दिखा दूँ तो देखिए पहले मैंने मल्टीप्लाई के साइन दबाया फिर इक्वल टू ये एक बार हुआ फिर मल्टीप्लाई साइन फिर इक्वल टू ये दो बार हुआ फिर मल्टीप्लाई साइन फिर इक्वल टू ये तीन बार हुआ मल्टीप्लाई इक्वल टू फोर टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू फाइव टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू सिक्स टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू सेवन टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू एट टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू नाइन टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू टेन टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू इलेवन टाइम्स मल्टीप्लाई इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स बारह बार हमने दबा दिया वन पॉइंट वन सिक्स फोर नाइन ऐसे करके आपको रिजल्ट आ रहा है यहाँ पर ठीक है तो ये जो मैं कैलकुलेट कर पाया फ्रेंड्स ये आया है वन पॉइंट वन सिक्स फोर नाइन के अराउंड में आ रहा है ठीक है तो ये हो गए इसके कैलकुलेट मतलब जो है एनथ रूड कैलकुलेट करने का मेथड हो गया फ्रेंड्स जो मैंने आपको बताया है सबसे पहले क्या करना है अंडर रूट के निशान को क्या करना है फ्रेंड्स देखिए अंडर रूट के सबसे पहले जो जो कैलकुलेट करना है जैसे मान लीजिए आपसे एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि टू पॉइंट थ्री फोर फाइव एट का टेंथ रूट निकालिए फॉर एग्जाम्पल आपसे यह पूछ लिया जाए तो सबसे पहले क्या करिए कैलकुलेटर में टू पॉइंट थ्री फोर फाइव सिक्स लिख दीजिए यहाँ पर कैलकुलेटर में राइट डाउन कर दीजिए ये चीज आफ्टर दैट क्या करिए ट्वेल्व टाइम्स अंडर रूट के साइन को प्रेस करना है बारह बार जो है ये अंडर रूट का जो सिंबल होता है इसको ट्वेल्व टाइम्स आपको प्रेस करना है फिर क्या करना है एक घटा देना है हमें क्या करना है फ्रेंड्स यहाँ पर एक घटाना है जो कुछ भी आएगा बारह बार दबाने के बाद जो आएगा उसमें से एक घटाएंगे फिर क्या करेंगे जो रिजल्ट आएगा उसको डिवाइड करेंगे किससे जितनी पावर है जैसे यहाँ पर पावर टेन है हमें निकालनी है टेनथ रूट निकालना है तो टेन से डिवाइड करेंगे यानी डिवाइड टेन फिर एक बार पहले एक घटाते हैं फिर उसी एक को वापस जोड़ देते हैं जो आया उसको बारह बार जो है ट्वेल्व टाइम्स आपको मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू ये मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू पहले मल्टीप्लाई देन इक्वल टू फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई इक्वल टू मल्टीप्लाई जैसे मल्टीप्लाई दबाया इक्वल टू दबाया इसे एक गिना फिर मल्टीप्लाई दबाया फिर इक्वल टू दबाया इसे दो गिना फिर मल्टीप्लाई दबाया इक्वल टू दबाया इसे तीन गिना मल्टीप्लाई इक्वल टू चार मल्टीप्लाई इक्वल टू पाँच ऐसे काउंट करते हैं फ्रेंड्स ओके तो जब आप ये करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ठीक है तो एनथ रूट निकालना मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया उसी एनथ रूट प्रक्रिया के तहत ही फ्रेंड्स देखिए ये आया हुआ था हमारा है ना यही लगभग मैं भी ले आया था वन पॉइंट सिक्स वन पॉइंट वन सिक्स फोर के अराउंड में आया था तो हमने क्या किया था वन प्लस आर इक्ल टू मैंने बताया था है ना वन प्लस आर इक्ल टू ये कैलकुलेट करने हम जा रहे थे तो ये आ गया था वन पॉइंट वन सिक्स फोर के राउंड में आया था चलो कोई नहीं एग्जैक्ट ले लोगे तो फाइव आ जाएगा ठीक है अब आर इक्वल टू कितना हो जाएगा ये वन इधर प्लस में इधर हो जाएगा माइनस में तो हो जाएगा ये पॉइंट वन सिक्स फोर इसको हंड्रेड से अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये सिक्सटीन पॉइंट फोर आ जाएगा क्योंकि हमें इसे परसेंटेज में बदलना है इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया कितने से हंड्रेड से तो सोलह दशमलव चार परसेंट जो है एम आई आर आर निकल करके आ गया है सोलह दशमलव पाँच आ गया और हमारी कंपनी एक्सपेक्ट कितना कर रही थी पंद्रह परसेंट कंपनी की एक्सपेक्टेशन कितनी है पंद्रह परसेंट देखिए यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्योंकि आपसे पूछते हैं कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इस प्रोजेक्ट को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं तो देखिए हमारा है सोलह पॉइंट फोर परसेंट और कंपनी रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर रही है पंद्रह परसेंट का तो ये पंद्रह परसेंट से ज़्यादा ही है तो ऑब्वियसली हम इस प्रोजेक्ट को रेकमेंड कर सकते कि हाँ भाई सेलेक्ट कर लो कोई दिक्कत नहीं है मैं जिम्मेदार हूँ ओके तो फ्रेंड्स ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी मैं बहुत ज़्यादा डिटेल्स में आपको नहीं ले गया कुछ चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई बट आप अगर इग्नोर भी करोगे तो काम चल जाएगा क्योंकि क्योंकि हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसमें जो कुछ कमी रह गई है उसको कवर कर देंगे अगेन एम आई आर आर आपको कैलकुलेट करना है सारी वही बातें दे रखी हैं क्वेश्चन ये आपके सामने है ठीक है अब देखिए यहाँ पर जो मैंने पहले आपको एक थ्योरेटिकल एस्पेक्ट पढ़ाया तो वो काम आएगा देखिए क्या हो रहा है कि आपने 240 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया उसके बाद में पहले साल आपको हो गया घाटा कितने का घाटा हुआ 160 करोड़ का अगले साल से आपको प्रॉफिट आने शुरू हो गए तो फ्रेंड्स ये सारे आपके इनफ्लोज हैं ओके कितने साल तक प्रोजेक्ट चल रहा है छः साल तक चल रहा है जो काम हमने पिछले क्वेश्चन में किया है वही सारे काम हमको यहाँ पर करने होंगे डिफरेंस सिर्फ एक बात का रहेगा एक चीज अलग हो जाएगी क्या क्योंकि यहाँ हमें एक अगर ये माइनस वैल्यू ना आई होती तब तो जैसे पिछली बार किया तो वैसे ही करते ही चले जाते हम सबसे पहले क्या करते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कास्ट निकालते पी बी सी निकालते वो कितनी होती 240 करोड़ क्योंकि 240 करोड़ हमने इन्वेस्ट किया था लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट केवल 240 करोड़ नहीं रह जाएगी क्यों क्योंकि यदि कोई निगेटिव वैल्यू आ जाती है कैश इनफ्लो में तो उसको प्रोजेक्ट की कॉस्ट में ही जोड़ लिया जाता है यानी कि आइडली हमको 160 करोड़ रुपए माइनस नहीं लेंगे एक सौ साठ करोड़ रुपए और जोड़ने चाहिए ऐसे लेकिन 160 एक सौ साठ करोड़ एग्जैक्ट नहीं जोड़ते हैं फ्रेंड्स उसकी डिस्काउंटिंग कर देते हैं यानी एक सौ साठ करोड़ तो हमको एक साल बाद मिला है प्रेजेंट में यदि जरूरत पड़ती है प्रेजेंट में एक सौ साठ की वैल्यू क्या है हमें यो जोड़ना पड़ेगा फ्रेंड्स ओके तो इसमें देखिए कास्ट ऑफ कैपिटल फॉर स्क्वायर रूट लिमिटेड पंद्रह परसेंट दे रखा है दैट मींस की आर इक्वल टू फिफ्टीन परसेंट इसको हंड्रेड से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट वन फाइव आ जाएगा ओके तो हमारी आर की वैल्यू पॉइंट वन फाइव आ गई चलो ये भी ठीक है तो हमें क्या करना है एक सौ साठ करोड़ की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो कैसे कैलकुलेट होती है फ्रेंड प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है फ्यूचर वैल्यू अपन वन प्लस आर टू पावर एन प्रेजेंट वैल्यू इक्वल टू होता है फ्यूचर वैल्यू अपान वन प्लस आर टू पावर एन इसी फार्मूला फार्मूले लगा दीजिए भविष्य में हमें मिल कितना रहा है एक सौ साठ करोड़ आर कितना है वन प्लस पॉइंट वन फाइव आर की वैल्यू रख दी एन की वैल्यू कितनी रखेंगे सवाल ये है कितने साल बाद ये हो रहा है एक साल बाद माइनस है तो इसका मतलब आर की वैल्यू एक हो जाएगी कितना क्योंकि देखिए अभी हमने अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जस्ट हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और पहले साल में ही आफ्टर वन ईयर हमको माइनस हो गया अब सोचिए अगर ये माइनस होता फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये माइनस होता तो उस केस में हम आर एन की वैल्यू कितनी लेते हम पाँच लेंगे क्योंकि पाँच साल बीत चुके हैं ओके okay. कितने साल बीत चुके हैं पाँच साल ये सारे पैसे आखिरी में मिलते हैं फ्रेंड ध्यान रखिएगा तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो ये पहला पहले साल के आखिरी मिलेगा या दूसरे के लास्ट में ये तीसरे के लास्ट में ये चौथे के लास्ट में और ये दो सौ करोड़ आपको पचवें साल के लास्ट में मिलते हैं तो एन की वैल्यू हम कितनी लेते हैं यहाँ पर पाँच ठीक है क्लियर हो गई मेरी बात कन्फ्यूजन ना पा लियेगा एक सौ साठ करोड़ रुपये हमको पहले ही साल मिल गए हैं तो इसलिए हमने पावर वन कर दी अब यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या करना है 160 सिक्सटी डिवाइडेड बाई वन हो जाएगा पावर वन है तो वही रहेगा अब बस कैलकुलेट कर लीजिए क्या करना है एक सौ तो साठ यानी वन सिक्सटी को डिवाइड करना है हमें वन पॉइंट वन फाइव से तो ये फ्रेंड्स आ रहा है वन सॉरी वन थर्टी नाइन वन थर्टी नाइन पॉइंट वन थ्री आ रहा है कितना आ रहा है 139.13 तो 240 करोड़ रुपए तो हमने पहले लगाए थे और 100 करोड़ 160 करोड़ ना ले करके उसकी प्रेजेंट वैल्यू हम लेंगे तो 139.13 लेंगे तो 139.13 प्लस 240 और जोड़ दें इसमें तो हमारा आ रहा है 379.13 379.13 ये हो गया प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट हमने कैलकुलेट कर ली हमारा जो फार्मूला है वो है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू अपान वन प्लस ये एम आई आर आर की पावर एन फार्मूला हमारा ये है ओके okay? ये फार्मूला हमारा है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कास्ट इक्वल टू होता है टर्मिनल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई वन प्लस एम आई आर आर की पावर एन तो हमने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ़ कास्ट कैलकुलेट कर ली इतना पिछले वाले क्वेश्चन से इस वाले क्वेश्चन में मेरे ख्याल से आपको कन्फ्यूजन क्लियर हो गई कि जो मैं पिछली बार एक एग्जाम्पल दे रहा था वो चीज़ यहाँ प्रैक्टिकली हमने करके देखी कि यदि वैल्यू निगेटिव आ जाए तो उस केस में उसको कास्ट ऑफ कैपिटल में ही जोड़ देते हैं इसीलिए हमने सिर्फ दो करोड़ रुपए नहीं माना प्रोजेक्ट की कास्ट पी प्र, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट कैलकुलेट करने के लिए हमने सिर्फ 240 करोड़ नहीं लिया ये जो नेगेटिव वैल्यू है 60 करोड़ की 160 की इसको भी ले लिया मान लो ये भी 100 सौ माइनस एक ये भी माइनस एक होता है फॉर एग्जांपल तो उस केस में हम इसको भी कैलकुलेट करते प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट में इसको भी जोड़ लेते ओके उसके बाद में दूसरा स्टेप क्या था हमारा दूसरा स्टेप है फ्रेंड्स हमारी टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करना टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं तो देखिए अब ये तो माइनस हो गया है तो इसको तो कंसिडर करेंगे नहीं क्योंकि इसको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट में ले चुके हैं तो इसको छोड़ दीजिएगा बाकी को कैलकुलेट करिएगा अब मान लीजिए माइनस 120 होता तो इसको भी छोड़ देते बाकी की हम कंपाउंडिंग करते ओके ये बात ध्यान रखिएगा ओके जो माइनस हो गया उसको छोड़ दीजिए तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये जैसे पिछली बार मैंने आपको एरो बना के दिखाया था ओके तो ये हमारी फ्यूचर वैल्यू वन या टर्मिनल वैल्यू वन कह लीजिए इसको हम टर्मिनल वैल्यू टू कह सकते हैं इसको हम टर्मिनल वैल्यू थ्री कह सकते हैं इसको टर्मिनल वैल्यू फ़ोर कह सकते हैं और इसको हम टर्मिनल वैल्यू फाइव कह सकते हैं ओके टर्मिनल वैल्यू फाइव अब हर ए की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी कैलकुलेट कौन से फॉर्मुले कर से करेंगे फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रजेंट वैल्यू इन टू वन प्लस आर टू दी पावर एन जहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में पंद्रह परसेंट दे रखी है इसलिए ये वैल्यू वन पॉइंट वन फाइव की पावर एन हो जाएगी और प्रजेंट वैल्यू उठा उठा के केवल रखनी है अब यहाँ देख लीजिए कि इसके लिए एन कितना होगा इसके लिए एन कितना होगा तो अगर मैं देखूँ तो देखिए फ्रेंड ये इस दूसरे साल के आखिरी में मिलेगा है ना चालीस करोड़ रुपये मुझे कब मिलेंगे दूसरे साल के आखिरी में इसका मतलब एक साल दो साल तीन साल और चार साल ये पैसा चार साल के लिए ही हमारा कंपाउंडिंग हुआ यानी एन इक्वल टू फोर अगर यहाँ एन इक्वल टू फोर लिख दिया फ्रेंड तो बस एन इक्वल टू थ्री एन इक्वल टू टू एन इक्वल टू वन और एन इक्वल टू जीरो ठीक भी लग रहा है क्योंकि जो छठवें साल पैसा मिलेगा उसको हम इन्वेस्ट नहीं कर सकते इसलिए उसके लिए एन की वैल्यू जीरो होनी ही चाहिए बस सिर्फ कैलकुलेशन बची है फ्रेंड्स बाकी काम आपका हो गया मैं इसको नीचे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ जहाँ पर कैलकुलेशन की गई है देखिए वही ये ये कैलकुलेशन आपको करके दी गई है ना प्रेजेंट वैल्यू कितनी है चालीस चालीस इंटू वन प्लस वन पॉइंट वन प्लस आठ टू द पावर फोर एक सौ बीस ये देखिए यहाँ पर जो आपको ये फोर्टी वन ट्वेंटी वन सिक्सटी टू हंड्रेड टू फोर्टी वही लिखा हुआ है देखिए एक तरफ से ठीक है दो सौ दो सौ चालीस ओके कैलकुलेशन कर सकते हैं फ्रेंड्स इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं मेरे ख्याल से देखिए जो आपको इनफ्लो हो रहा है वो चालीस हो रहा है फिर एक सौ बीस हो रहा है फिर वन सिक्सटी हो रहा है फिर टू हंड्रेड हो रहा है एंड देन टू फोर्टी हो रहा है ओके इस क्रम में हमारे इनफ्लो हो रहे हैं तो यहाँ पर आ, वही मैंने बताया था ना कि प्रेजेंट वैल्यू इंटू वन प्लस आर वन प्लस आर कितना आर इक्वल टू फ्रेंड्स पंद्रह परसेंट आपको क्वेश्चन में अगर दे रखा है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पॉइंट वन फाइव ओके तो वही वन पॉइंट वन फाइव की पावर फोर लिया गया है फ़ोर क्यों लिया गया है वो भी मैंने आपको समझाया कि जो ये चालीस करोड़ रुपए हैं ये अगले चार साल तक इन्वेस्ट कर सकते हैं आप एफ में इसीलिए यहाँ पावर फोर ली गई है बस वन पॉइंट अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए वन की पावर फोर है तो वन पॉइंट वन दो तीन चार तो ये आ रहा है फ्रेंड्स आपका 40 फोर्टी इंटू वन पॉइंट सेवन फोर नाइन ठीक है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फोर्टी से जो भी आया है इक्वल टू सिक्सटी नाइन पॉइंट नाइन सिक्स के अराउंड में आ रहा है है ना ये देखिए ठीक है? मतलब सारा काम उसी तरीके से अब ये 120 करोड़ रुपए अगले तीन साल तक इन्वेस्ट रहेंगे 160 करोड़ रुपए अगले दो साल तक 200 करोड़ रुपए अगले एक साल तक और जो 240 करोड़ रुपए हैं वो अगले जीरो साल तक इसीलिए जीरो की वैल्यू वन हो जाती है इसलिए काम जीरो पावर जीरो हो तो वन हो जाता है इसीलिए उसको छोड़ दिया गया था ओके तो मेरे ख्याल से अब आपको ये बात समझ में आ गई पूरा कैलकुलेशन फ्रेंड्स करके दिखाया गया है ओके आप इसको फॉलो कर सकते हैं अब लास्ट स्टेप बचा हमारा तो हमारी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट कितनी आ गई फ्रेंड्स थ्री सेवेंटी नाइन पॉइंट वन थ्री और हमारा जो है टर्मिनल वैल्यू कितनी आ गई नाइन थर्टी फोर पॉइंट ज़ीरो सेवन ओके तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें एम आई आर आर का फार्मूला क्या था एम आई आर आर का फार्मूला था प्रजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट इक्वल टू टर्मिनल वैल्यू का जो टोटल है डिवाइडेड बाई वन प्लस आर आर मतलब एम आई आर आर की पावर एन ओके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट कितनी आई थी थ्री सेवेंटी नाइन पॉइंट समथिंग आया था रुकिए देख लेते हैं थ्री सेवेंटी नाइन पॉइंट वन थ्री तो ये हो गया थ्री सेवनटी नाइन पॉइंट वन थ्री इक्वल टू टर्नल वैल्यू कितनी आई है ये अभी लिखा हुआ है देखिए नाइन थर्टी फोर पॉइंट जीरो सेवन अपान वन प्लस आर की पावर प्रोजेक्ट कितने साल तक चला है छः साल तक चला है उठा करके देख लीजिए वहाँ पर माइनस के चक्कर में पड़िएगा वहाँ पर ये मत कहिएगा कि सर एक बार देख लीजिए नहीं तो कन्फ्यूज हो जाएंगे जैसे ये देखिए प्रोजेक्ट कितने साल तक चला है छः साल तक चला है ओके एन की वैल्यू जब फार्मूला लास्ट में लगाएंगे तो एन की वैल्यू कितनी लेंगे छः क्योंकि हमारा प्रोजेक्ट छः साल तक चला है भले ही यहाँ ये भी माइनस हो जाता है ये भी माइनस हो जाता है तो भी ये कितने साल तक चला छः साल तक चला हुआ है दैट्स वाई एन विल बी एन कितना होगा छ ही रहेगा ओके कन्फ्यूज मत होगा माइनस होने से ऐसा नहीं कि इसको हम गिनेंगे ही नहीं हाँ जब हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उस समय हम इसको कंसिडर नहीं करते दैट इज़ करेक्ट अगर मान लो ये भी माइनस होता है ये भी माइनस होता तो इसको भी ना कैलकुलेट करते इसको भी ना कैलकुलेट करते ओके देखिए अगर मान लीजिए ये, ये माइनस है फॉर एग्ज़्ज़ाम्पल ये भी माइनस होता और फॉर एग्जाम्पल ये भी माइनस होता तो जब हम टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते हो कर रहे होते फ्रेंड तो हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक और हम इसको कैलकुलेट करते हैं यहाँ तक इन दोनों को हम छोड़ देते बल्कि तीनों को हम छोड़ देते टर्मिनल वैल्यू कैलकुलेट करते समय ऐसा करेंगे हम लेकिन जब बात एन की आएगी किसमें लास्ट वाले फार्मूले में तो वहाँ पर हम जो है एन की वैल्यू कितनी रखेंगे छः रखेंगे ओके okay, देखिए वही काम किया गया है वही काम हुआ है देखिए प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट ये निकली थी और उसका टर्मिनल वैल्यू ये निकली थी वन प्लस एम आई आर आर हो गया इतना इसको कैलकुलेट किया तो आ जाएगा आपका देखिए इसको जो फ्रेंड्स इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा कितना वन प्लस आर की पावर सिक्स इक्वल टू नाइन थर्टी फोर पॉइंट जीरो सेवन डिवाइडेड बाई थ्री सेवेंटी नाइन पॉइंट वन थ्री ओके अब बस कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट यदि हम कर लें नाइन थर्टी फोर पॉइंट जीरो सेवन कैलकुलेटर रखिए फ्रेंड जो है ऐसे क्वेश्चन सम, करते समय यदि नहीं रखे हैं तो अभी रख लीजिए थ्री सेवेंटी एट पॉइंट वन थ्री मेरी राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है माफ़ करिएगा उसके लिए टू पॉइंट फोर सेवन ठीक है लगभग इतना दिखा रहा है मुझे ठीक है टू पॉइंट फोर सेवन दिखा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ हमें वन प्लस आर की पावर वन पॉइंट सिक्स निकालना होगा क्योंकि यहाँ छः पावर थी तो उधर वन पॉइंट सिक्स हो जाएगा बस अब आप टू पॉइंट फोर सेवन का वन पॉइंट सिक्स या जो ये लिखा हुआ है टू पॉइंट फोर सिक्स थ्री ये ज़्यादा एग्जैक्ट है है ना कि पावर वन पॉइंट सिक्स कैलकुलेट कर लीजिए अपने कैलकुलेटर से कैसे कैलकुलेट करेंगे वो मैंने आपको समझाया हुआ है फिर जो है अभी पिछले क्वेश्चन में लेकिन फिर भी यहाँ देख लीजिए सबसे पहले क्या करेंगे अपने कैलकुलेटर में टू पॉइंट फोर सेवन मैं लिख दूंगा ओके तो मैंने क्या किया है ना टू पॉइंट फोर सेवन लिख दिया तो यहाँ पर मैंने देखिए टू पॉइंट फोर सेवन यहाँ पर लिख दिया हुआ है कैलकुलेटर पे उसके बाद क्या करना होता है फ्रेंड आप एक बार टू पॉइंट फोर सेवन लिख दिए तो आपको क्या करना है ट्वेल्व टाइम्स अंडर रूट का सिंबल दबाना होता है कितनी बार करना है हमें अंडर रूट का सिंबल ट्वेल्व टाइम्स तो देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व बारा बार दबा दिया जो कुछ भी आया उसको ध्यान नहीं रखना है बस आ गया काम ख़त्म आफ्टर दैट क्या करना होता है फ्रेंड्स माइनस वन करना होता है जो भी आया उसमें से माइनस वन किया इक्वल टू का सिंबल प्रेस किया आफ्टर दैट क्या करते हैं डिवाइड करते हैं डिवाइड किससे करेंगे जितनी पावर है छः पावर है तो छः से डिवाइड करेंगे तो हमने क्या किया डिवाइड का सिंबल दबाया और पावर सिक्स कर दी इक्वल टू का साइन दबा दिया ठीक है ये आ गया और उसके बाद में जो एक घटाया था जो हमने एक घटाया था उसी एक को फिर से जोड़ देते हैं तो हमने फिर से प्लस वन कर दिया इक्वल टू दबा दिया आ गया आफ्टर दैट क्या करना है इक्वल टू और प्लस का सिंबल बारह बार दबाना है कितनी बार ट्वेल्व टाइम्स इक्वल टू और सॉरी मल्टीप्लाई एंड देन इक्वल टू सॉरी माई मिस्टेक मल्टीप्लाई एंड देन इक्वल टू ओके ये कितनी बार प्रेस करना होता है फ्रेंड ट्वेल्व टाइम्स तो देखिए मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स मैं आपको प्रेस करके देता हूँ मल्टीप्लाई इक्वल टू एक बार हो गया मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू दो बार हो गया मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू तीन बार हो गया मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू चार बार हो गया मल्टीप्लाई इक्वल टू पाँच मल्टीप्लाई इक्वल टू छः मल्टीप्लाई इक्वल टू सात मल्टीप्लाई इक्वल टू आठ मल्टीप्लाई इक्वल टू नौ मल्टीप्लाई इक्वल टू दस मल्टीप्लाई इक्वल टू ग्यारह मल्टीप्लाई इक्वल टू ट्वेल्व टाइम्स ठीक है तो ये लगभग जो है फ्रेंड्स आ गया है मेरा वन पॉइंट फाइव नाइन सिक्स ऐसे कुछ के अराउंड में आ गया है आपका ठीक है तो बस यही जो है एक मिनट रुपये ये आ रहा है वन पॉइंट वन वन नाइन सिक्स सेवन फोर ऐसे आ रहा है फ्रेंड्स ओके तो इसको अगर हम क्लोज करें तो वन पॉइंट वन वन हाँ वन वन नाइन या वन वन नाइन सिक्स ले सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतना आ गया तो इसको क्या करेंगे ये वैल्यू आ गई किसकी वन प्लस आर की वन प्लस आर इक्वल टू वन पॉइंट वन वन नाइन सिक्स तो आर इक्वल टू कितना हो जाएगा इसमें से एक घट जाएगा तो वन ये जीरो पॉइंट वन वन नाइन सिक्स इसको हंड्रेड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल से एलेवन पॉइंट नाइन सिक्स मेरा जो कैलकुलेशन आ रहा है हो सकता है कि ये गड़बड़ हो मेरा कैलकुलेशन लेकिन मुझे जो आ रहा है वो यही आ रहा है फ्रेंड्स ओके तो ठीक है तो ये मेरा आ रहा है जबकि एक्चुअल में इतना आना चाहिए तो कि आप कैलकुलेट कर लेना गड़बड़ नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है एक बार फिर से कैलकुलेट करें अगर तो आ जाएगा सही से लेकिन मेन थीम है कि आपको स्टेप्स याद रहने चाहिए क्या सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको अंडर रूट सबसे पहले वो लिख दीजिए जिसका कैलकुलेट करना है जैसे ये कैलकुलेट करना है तो इसको लिख दीजिए फिर अंडर रूट का सिंबल बारह बार आपको प्रेस करना है ट्वेल्व टाइम्स कितनी बार ट्वेल्व टाइम्स फिर क्या करना है आपको एक घटाना है फिर क्या करना है डिवाइड करना है किससे जितनी पावर हो अगर छः पावर है पाँच पावर है जितनी भी यहाँ पर पावर हो उससे घटा डिवाइड करना है फिर जो एक घटाया तो उसको एक को जोड़ देना होता है फिर अल्टीमेटली हम लास्ट में क्या करते हैं एक हमने जोड़ भी दिया चलो बहुत अच्छा है आफ्टर दैट मल्टीप्लाई और इक्वल टू के साइन को भी जो है ट्वेल्व टाइम्स हमें प्रेस करना होता है बस इससे आपकी एनथ रूट कैलकुलेट होकर के आ जाती है सिंपल कैलकुलेटर से ठीक है तो ये भी जरूरी है आपको एन कल रूट कैलकुलेट करना सीखना ओके अब अगर इस क्वेश्चन में भी दिया होता है कि कंपनी जो है अट्ठारह परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है तो अगर अट्ठारह परसेंट रिटर्न एक्सपेक्ट कर रही है और यहाँ पर हमारा रिटर्न कितना रहा है सोलह पॉइंट दो परसेंट तो इसका मतलब कि है हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते अगर ये कहती कंपनी हमें बारह परसेंट रिटर्न की एक्सपेक्टेशन है तो भाई बिल्कुल बारह से ज़्यादा ही आ रहा है तो सोलह परसेंट रिटर्न ले लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ठीक है फ्रेंड तो इसी के साथ में मेरे ख्याल से ये लेक्चर आपका है ना कंक्लूजन में एम आई आर आर इज हायर देन कास्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पर देखिए कास्ट ऑफ कैपिटल कितनी दे रखी है ये भी देख लीजिए हो सकता है जरूरत पड़ जाए कास्ट ऑफ कैपिटल है पंद्रह परसेंट यहाँ दिया हुआ है कास्ट ऑफ कैपिटल कितनी है पंद्रह परसेंट तो कास्ट ऑफ कैपिटल पंद्रह परसेंट है और हमारा कितना आ रहा है सोलह दशमलव दो परसेंट इसलिए हम कह सकते हैं कि एम आई आर हायर देन कास्ट ऑफ कैपिटल सो द प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेबल तो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है ठीक है लगभग मैंने थेटिकल एस्पेक्ट जो है शुरुआत का निपटा दिया था बट फिर भी यदि आप देखना चाहो तो ये बात हो ही गई थी है ना ये बात हमने कर ही ली थी कि एम आई आर आर को मॉडिफाइड इंटरनल रेट ऑफ़ रिटर्न कहते हैं अगर कोई निगेटिव कैश फ्लो आता है तो उसको जो है प्रोजेक्ट की कास्ट में ही जोड़ दिया जाता है प्रोजेक्ट की कास्ट में ही जोड़ दिया जाता है लेकिन डिस्काउंटेड वैल्यू जोड़ी जाती है कास्ट ऑफ कैपिटल में डिस्काउंटेड वैल्यू उसके बाद में इसे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कास्ट बोलते हैं उसके बाद में टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है जितने भी प्रोजेक्ट के इनफ्लो होते हैं उनको कंपाउंड किया जाता है एट द कास्ट ऑफ कैपिटल कास्ट ऑफ कैपिटल आपको क्वेश्चन में ही दे रखा होता है देन एन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डिस्काउंट है ना फिर आगे वही बात बोल रहे हैं कि हमें आर ऐसा पता करना होता है ऐसा आर पता करना होता है जिसकी वजह से ये देखिए देन एन एन अप्रोप्रिएट रेट ऑफ डिस्काउंट फॉर दिस कंपाउंडेड टर्मिनल वैल्यू इज़ फाउंड आउट सो दैट द डिस्काउंटेड टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल टू द टोटल प्रजेंट वैल्यू ऑफ द कास्ट ऑफ कैपिटल जो कास्ट ऑफ कैपिटल है उसकी प्रजेंट वैल्यू और जो टोटल डिस्काउंटेड टर्मिनल वैल्यूज हैं वो इक्वल हो जानी चाहिए यही हमें पता करना होता है एम आई आर आर में ठीक है फ्रेंड तो इसी के साथ में हमारा ये लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है उम्मीद है कि आपको एम आई आर आर समझ में आया होगा और इसी के साथ ये चैप्टर भी यहीं पर ख़त्म होता है थैंक यू सो मच फ्रेंड्स